9 साल में इतनी बदल गई स्लमडॉग की ये एक ट्रेस अब खर्च के लिए ढूंढ रही जॉब। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में लतिका के बचपन का किरदार निभाने वाली छोटी सी बच्ची रुबीना अली अब 17 साल की हो चुकी हैं। रुबीना अली कभी बांद्रा के पास स्थित झुग्गी बस्ती गरीब नगर में रहती थी, लेकिन 2011 में यहां लगी आग में रुबीना का घर पूरी तरह जल गया था। फिलहाल रुबीना मुंबई से 60 किलोमीटर दूर सबर्बन इलाके नालासोपारा में अकेली ही रहती हैं। रुबीना का सपना भी दूसरी लड़कियों की तरह हीरोइन बनने का है। फिलहाल जॉब ढूंढ रही है रुबीना। एक इंटरव्यू में रुबीना ने कहा था कि वो अपना खर्च चलाने के लिए कोई भी जॉब कर सकती हैं। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रुबीना फिलहाल कॉलेज में है और वो भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। बता दें कि 2011 में लगी भीषण आग में न सिर्फ रुबीना का घर जल गया, बल्कि फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से जुड़ी उसकी यादें भी राख हो गईं। ऑस्कर में रुबीना को मिले अवार्ड और फोटोज भी खत्म हो गए। कभी पिता पर लगा था रुबीना को बेचने का आरोप। एक ब्रिटिश अखबार की खबर के मुताबिक रुबीना के पिता रफीक कुरैशी ने अपनी बेटी को अरब दंपत्ति को बेचने की कोशिश की थी। रफीक पर आरोप लगे कि उसने बेटी को 2 लाख पाउंड में बेचने की कोशिश की है। रफीक की एक स्वाइप की रिपोर्ट के आधार पर बाद में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। अखबार ने दावा किया था कि उसके पास इस डील का वीडियो भी मौजूद है। रुबीना ने बताई थी ये कहानी। हालांकि रुबीना ने इस बात से इनकार किया था कि उसके पिता रफीक कुरैशी ने कभी उसे बेचने की कोशिश की। रुबीना ने कहा था, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे बेचने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। रुबीना के मुताबिक वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी से मिलने के लिए होटल में गई थी। वहाँ एक मैडम और अंकल थे जो मुझे गोद लेना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता ने इससे साफ मना कर दिया था। ब्रिटिश अखबार ने लिखा था कि रुबीना के पिता रफीक ने उसे अरब के शेख के हाथों बेचने की कोशिश की। NRI ने की थी रुबीना का खर्च उठाने की बात। रुबीना को उसके पिता द्वारा बेचे जाने की खबरों के बाद NRI AR विनू ने उसका पूरा खर्च उठाने की इच्छा जताई थी। दोहा में रहने वाले विनू ने कहा था कि वो रुबीना की PhD तक का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। विनू ने रुबीना के पिता से भी मुलाकात की थी और उन्हें आर्थिक मदद की पेशकश की थी। विनू खुद एक NGO से जुड़े हैं जो रूरल इलाकों में लोगों के लिए एजुकेशन का काम करता है। रुबीना ने जताई थी किताब लिखने की इच्छा। रुबीना ने महज 9 साल की उम्र में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने की इच्छा जताई थी। इसमें वो गरीबी में बीते अपने बचपन से लेकर स्लमडॉग से मिली पॉपुलैरिटी का जिक्र करना चाहती थी। रुबीना की इस ऑटोबायोग्राफी को ब्रिटेन की पब्लिशिंग कंपनी ट्रांसा वर्ल्ड ने पब्लिश करने की बात कही थी।